जय हिंद एवरीवन कैसे हैं आप सब मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि द डिफेंस एस्परेंस एकेडमी यूट्यूब में अब अपनी वीडियोस लेके आ गया है जिससे आपको बहुत हेल्प होगी सो so, मैं लेके आई हूँ अक्टूबर की वीकली करंट अफेयर्स एंड दिस इज़ पार्ट वन जो पहले हफ्ते को केटर करने वाला है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने एफ़ कैट एग्ज़ाम को सिक्स बाई सिक्स टाइम्स क्लियर करा है और टू ट्वेंटी फाइव मेरा हाईएस्ट स्कोर था और मैंने सी डी एस एग्ज़ाम भी थ्री बाई थ्री टाइम्स क्लियर करा है जिसमें मेरा हाइएस्ट स्कोर था वन ट्वेंटी एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक है फिफ्टी सो so, मैं अपनी इस इनसाइट को यूज़ करके आपको एकदम क्रिस्प कंटेंट देना चाहती हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं से आए तो द डिफेंस एस्परेंस एकेडमी जो आपके लिए ट्वेंटी फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स दे के आया है उसके अलावा भी आपको कुछ ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेगी सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट हैज़ रिसीव द फर्स्ट प्राइज़ फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड ऑल अराउंड अगर पिक्चर में देखें तो ये है केदारनाथ एंड अलॉन्ग विद केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री एंड गंगोत्री इन्हें मिलके कहा जाता है छोटा चार धाम और ये कहाँ है ये है उत्तराखंड में सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ उत्तराखंड आप देख सकते हैं पिक्चर में कितनी ज़्यादी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं उत्तराखंड में अगर सी में एक क्वेश्चन आता है एज वी नो वहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं तो वो ये भी पूछ सकता है कि किन दो कैटेगरीज में अवार्ड मिला है पहली कैटेगरी है दी बेस्ट एडवेंचर टूरिज़्म और दूसरी कैटेगरी है ऑल राउंड डेवलपमेंट टूरिज़म और ये अवार्ड दिया है हमारी टूरिज़्म मिनिस्ट्री ने अगर आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ हु इज़ दी यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म इन तो वो है जी किशन रेड्डी जी ठीक है आपको एडिशनल चीज़ें भी याद रखनी है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ़ीफा हैज़ रिलीज थ्री एपिसोड सीरीज ऑन द लाइफ एंड करियर ऑफ विच इंडियन फुटबॉल प्लेयर इसका आंसर है दी वन एंड ओनली सुनील छेत्री इन पे ये जो सीरीज लॉन्च की है फ़ीफा ने इसका नाम भी जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसका नाम है कैप्टन फैंटास्टिक ठीक है तो आपको ये नाम याद रखना है इनकी सीरीज का नाम है और फीफा एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की जैसा कि आप जा, सब जानते हैं इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फ़ुटबॉल और इसका हेड क्वार्टर्स यूरिक में है क्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार एग्जाम्स में इन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के सीधे सीधे हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ दी ओनली इंडियन ऑन टाइम्स हंड्रेड इमर्जिंग लीडर्स लिस्ट तो जो अभी रिसेंट लिस्ट निकली है टाइम्स मैगजीन की इसमें एक लौते शुमार हैं आकाश अंबानी जी और इन्हें अभी अभी जून में चेयरमैन बनाया गया है जियो का जिसके फिलहाल फोर ट्वेंटी सिक्स मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ठीक है ठीके? तो कौन है ये इज़ दी एल्डेस्ट सन ऑफ मुकेश अम्बानी एंड नीता अम्बानी क्वेश्चन कैन कम टू योर माइंड कि ये लिस्ट किस चीज़ के बारे में है ये किन लोगों को शामिल करती है सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल दोज लीडर्स हु आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ बिजनेस एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स हेल्थ साइंस बाय देर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस राइट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ बिकम दन विद द फर्स्ट डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत इट्स रियली इजी टू गैस मैं खिंड देती हूँ कि आप नाम बताइए डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया का ठीक है जी हाँ दी आंसर इज़ केरला तो केरला का जो विलेज है पुलम पारा जो थिरुवनंतपुरम में है वो बन गया है द फर्स्ट डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत ठीक है और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है बिकॉज जितने भी काम हैं लोगों के वो डिजिटली ही होंगे राइट

जो कि हमारी विंड और सनलाइट है तो ये हुआ है राजस्थान के जैसलमेर में ठीक है तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है इस परस्पेक्टिव से और एक बहुत ही शानदार बात बताऊँ ये हमारे इंडिया का ही नहीं ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर प्लांट है तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ याद रखिएगा इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च फाइव जी सर्विसेज एट इंडिया मोबाइल कॉन्ग्रेस टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू इन विच सिटी तो ये हुआ है न्यू डेली में ठीक है और मैं आपको बता दूँ कि जो एयरटेल है उसने कोलेबोरेट करा है एरिक्सन और सैमसंग और नोकिया के साथ और अगस्त मंथ से उन्होंने शुरू भी कर दी हैं अपनी सर्विसेज कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लाइक चेन्नई कोलकाता न्यू दिल्ली एंड मुंबई और, और जियो भी इस दिवाली से अपनी जो सर्विसेज है वो शुरू करेगा एंड होपफुली एंड ऑफ दिसंबर तक या फिर नेक्स्ट ईयर ऑल अक्रॉस इंडिया हम फाइव सर्विसेज यूज़ कर पाएंगे द नेक्स्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी है कि द न्यू डेली एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया जहां पे आप 5G सर्विसेज को यूज कर सकते हैं इनसाइड दी टर्मिनल तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि न्यू डेली का जो एयरपोर्ट है इसका नाम क्या है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व इज इन विद स्टेट देखने में ये क्वेश्चन स्टैटिक लग रहा है बट अभी मैं बताऊंगी कि करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से क्यों इम्पोर्टेंट है सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर मैक्सिमम है इंडिया में ठीक है इस स्टेट का और ये है ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स परसेंट इसका मतलब है जो भी टोटल एरिया है मध्य प्रदेश का उसमें करीब ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स परसेंट एरिया जो है वो पूरा फॉरेस्ट से कवर्ड है और मध्य प्रदेश में टेन नेशनल पार्क्स और हमारी ट्वेंटी फाइव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं सो so, ये क्यों इम्पॉर्टेंट था क्वेश्चन बिकॉज अभी अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अनरेवल किया है कुछ रिमार्केबल आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इस बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व में तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुजिन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सी आर पी एफ तो ये जो नई नियुक्ति हुई है ये किसकी हुई है ये हुई है सुजोए लाल थाउसेन की तो सी आर पी एफ स्टैंड फॉर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कई बार बहुत लोगों को डाउट हो जाता है कि इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बट ये असल में आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर और ये नाइनटीन थर्टी नाइन में फाउंड हुई थी ठीक है सो और इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी The next question is what is the rank of India in the Global Innovation Index ranking? तो मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है 2021 में हम थे 46th position पे but this year we have come to 48th position पूरी sixth position की jump हमने ली है और ये जो index है ये basically बताता है कि जो world में जितनी भी countries और economics हैं जब हम एक innovational measure पे उन सबको आंकते हैं तो उस basis पे हर कंट्री को एक रैंक दी जाती है और ये जो इस बार का इंडेक्स है बेसिकली था कोविड नाइन्टीन जो पेंडेमिक हुआ था हमारा उसके बाद की जो स्लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ थी और अदर इवोल्विंग चैलेंजेस थे उस पे बेस्ड थी ये रैंकिंग सो आर पोजीशन इज फोर्टी एट याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन हैज बिकम द क्लीनेस्ट सिटी इन कंट्री फॉर द दिक्कस टाइम इन रो ये बहुत ईजी है गेस करना हर बार ये सिटी ले जाती है इस अवार्ड को और इस बार ये फिर से मिल गया है इंदौर को जो कि है मध्य प्रदेश में और आपको पता है इंदौर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है ठीक है सो so, अगेन इसको सिक्स टाइम कंसेक्यूटिवली यह अवार्ड मिल चुका है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत प्राउडली अपने टी डी स्टार से मिलाना चाहती हूँ तो आप देख सकते हैं जो ऑल इंडिया रैंक वन टू सेवेंटी थ्री थर्टी फोर ऑल हमारे जो स्टार्स हैं वो ना ही सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं बट अब एक फुल फ्लेज फ्लाइंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट इन पोजीशंस पे भी आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ें ये देखिए हमारे स्टार्स के रिजल्ट्स और हमारा जो कंटेंट है वो मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है एंड वी वॉन्ट यू टू जॉइन आस टू मेक आर लेगेसी फॉरवर्ड सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच एयरपोर्ट वॉज रिनेम्ड शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ठीक है तो इसका आंसर है चंडीगढ़ एयरपोर्ट अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ वन हंड्रेड एंड फिफ्टींथ बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई भगत सिंह जी की ट्वेंटी एथ सेप्टेम्बर नाइनटीन जीरो सेवन में उन्होंने जन्म लिया था और उन्हें कमेमोरेट करने के लिए इस बार चंडीगढ़ एयरपोर्ट ने अपने नाम को रीनेम कर लिया है सो दिस क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स परस्पेक्टिव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक अम्बेडकर लाइफ विल बी रिटर्न बाय होम किसके द्वारा लिखी जाएगी ये और क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपने देखा होगा सी में कई बार प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी की बुक्स पूछ ली जाती हैं अभी लास्ट टाइम स्मृति ईरानी जी पे भी क्वेश्चन आया था कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी है तो इसका आंसर है शशि थरूर जी आपको मैं बता दूँ ही इज अ डिप्लोमैट ही इज अ पॉलिटिशियन एंड ही इज एन इंडियन फॉर्मर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट ऑल्सो और ये राइटर तो हैं ही तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप प्लीज़ याद रखिएगा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज प्रेजेंटेड एस जे एफ आई मेडल ये जो मेडल है ये हाइएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का तो आप फोटो में देख के बिल्कुल अंदाजा लगा चुके हैं यह हैं सुनील गावस्कर जो कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं और अभी ये एक कमेंटेटर भी हैं सो so, ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं ठीक है इसे याद रखिएगा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रिसेंटली इंडक्टेड इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ऑफ इंडियन एयरफोर्स एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर तो इस क्वेश्चन में एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है कि ये कहाँ इंडक्ट किया गया है जोधपुर राजस्थान में और इसका नाम क्या है प्रचंड ठीक है तो इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया दूँ सो बेसिकली इट इज़ अ मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर एंड इज़ डिज़ाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय एच एल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ यह है टू सिक्सटी एट किलोमीटर पर आर और अगर मैं इसकी ऑपरेशनल रेंज की बात करूँ तो वो है फाइव फिफ्टी किलोमीटर और सबसे अमेजिंग फैक्ट इसके बारे में ये है कि इट्स सर्विस सीलिंग इज हाइएस्ट अमंग ऑल दी अटैक हॉलीकॉप्टर्स इन द वर्ल्ड विच इज अराउंड ट्वेंटी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फीट और खुशी की बात यह है कि एक इंडिजिनसली मेड एल uh, सी एच है और uh, ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बहुत ही एक अच्छा कदम है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन गोल्ड इन रेस्लिंग इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू नेशनल गेम्स तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में एक तो हम गोल्ड लेके आए हैं वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आस सेवेंटी ईयर ओल्ड अंतिम फंगाल गोल्ड लेके आई हैं और कई बार ऐसे भी एफ कैट में क्वेश्चन आ जाता है कि अंतिम फंगाल इज़ एसोसिएटेड विच विच स्पोर्ट तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर मैं आपको बताऊँ कि अंडर ट्वेंटी जो नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने डिफीट किया है कजाकिस्तान की एटलिन शागावा को बाई एट जीरो तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टुक चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आई टी बी पी आई टी बी पी स्टैंड फॉर इंडो टेबिटन बॉर्डर पुलिस एंड बेसिकली इट इज अ बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट पेट्रोल्स द बॉर्डर दैट वी शेयर विद चाइना तो इसका जो आंसर है वो है अनिश दयाल सिंह और अगर मैं बताऊँ कि स्थापना कब हुई थी आई टी बी पी की तो ईयर नाइनटीन सिक्सटी टू में हुई थी ठीक है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिफ्टीन्थ इंटरनेशनल सूफी रंग महोत्सव टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू इज बिंग ऑर्गेनाइज इन विच सिटी सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अजमेर राजस्थान अब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है सी डी एस के परस्पेक्टिव से क्योंकि ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल सूफी फिल्म फेस्टिवल है और ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है क्योंकि हम प्रमोट करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म किसके लिए सूफी फिल्म मेकरस के लिए ठीक है तो आप प्लीज़ एडिशन भी याद कर लेना कि कौन सा है फिफ्टीन है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर इन दी वर्ल्ड सो प्राउडली इट्स नन अदर देन इंडिया आप जानते हैं कि इंडिया में शुगर के इनके बहुत सारे फील्ड्स हैं और एक जो सेशन था हमारा पिछले साल अक्टूबर 2021 से इस साल के सितंबर 22 तक उसमें जो हमारी शुगर मिल्स हैं उसने जो हमारा प्रोड्यूस किया है वो करा है अराउंड 394 लाख मेट्रिक टन इतने टाइम के बीच में और पीछे छोड़ दिया है ब्राज़ील को जिसने 320 लाख मेट्रिक टन प्रोड्यूस किया था ठीक है बट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं तो फर्स्ट कौन है वो है ब्राज़ील ठीक है तो आप ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ याद रखिएगा और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हुन दी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू यू एन रेफ्यूजी अवार्ड सो द फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी एंजेला मार्कर आप फोटो में देख सकते हैं इनको ये मिला है एंड शी हैज़ डन अ ग्रेट थिंग इन्होंने टू थाउजेंड फिफ्टीन से टू थाउजेंड सिक्सटीन के बीच वन पॉइंट टू मिलियन रेफ्यूजीज को वेलकम किया था ठीक है तो शी ट्रूली डिजर्व दिस अवार्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ been मेड the नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो फोटो से आप देख सकते हैं ये है पंकज त्रिपाठी फोटोज लगाने का यही रीज़न है ताकि आपकी मेमोरी में एक क्वेश्चन बैठ जाए ठीक है सो so, अगर मैं ये बताऊं कि हमारे करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है तो वो हैं जो कि ट्वेंटी फिफ्थ है ये भी याद रखिएगा। तो वो है राजीव कुमार जी ठीक है so the नेक्स्ट क्वेश्चन is पेंग इकारिया विच वॉज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पीशीज इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं ऐसे नाम दे देते हैं ठीक है तो ये कैटफिश है ठीक है अब इसे ये जो नेमिंग दी है ये दी है आई सी ए आर ने आई सी ए आर स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्लीज़ अपने माइंड में रखिएगा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्राम इंडिया टू फीचर इन 400 हंड्रेड टी ये और कोई नहीं रोहित शर्मा है और इन्होंने अपियरेंस दिखा दी है टोटल 400 सौ टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में समझ रहे हैं आप इतने मैचेस ये खेल चुके हैं सिर्फ टी ट्वेंटी फॉर्मेट के और जो इन्होंने अपना 400 मैच है वो गुवाहाटी में खेला था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सो दिस क्वेश्चन अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट स्पेशली एफ कैट में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ रुपे डेबिट कार्ड्स टू बी लॉन्च इन विच कंट्री सो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया का ये मोनेट्री कनेक्टिविटी तो हमें देगा ही देगा प्लस ये हमारी जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो भी बढ़ा रहा है तो ये कंट्री कोई और नहीं ओमान है और अगर मैं इसके कैपिटल की बात करूँ तो ये है मस्कट ठीक है तो आप प्लीज़ ये याद रखिएगा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो पहला है जो इंडिया सेलिब्रेट कर रही है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में और कब है ये कब सेलिब्रेट करा है हमने अक्टूबर फाइव को सेलिब्रेट करा है ये क्यों करा गया है ये अवेयरनेस देगा हमें कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिनस के बारे में ठीक है और ये द यूनियन एनवामेंट मिनिस्ट्री ने जो ये दिन है वो डेजिग्नेट करा है और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यूनियन मिनिस्टर टू एनवायरमेंट कौन है हमारे वो है भूपेंद्र यादव ठीक है तो आप ये प्लीज याद रखिएगा और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू सी डी एस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो सैडली वी लॉस्ट जनरल बिपिन रावत हु वॉज आर फर्स्ट सी तो सेकेंड अपॉइंट कर लिए गए हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी अगर मैं इनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दूँ सो ही इज़ अ फॉर्मर ईस्टर्न आर्मी कमांडर एंड डी जी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन एज वेल अ डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर एंड अ चाइना एक्सपर्ट एंड ही सिक्सटी वन ईयर ओल्ड एंड विल ऑल्सो फंक्शन एज अ सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स राइट सो प्लीज़ ये याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम परस्पेक्टिव से है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ओके सो क्वेश्चन तो हमारे खत्म हो चुके हैं मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको देना चाहूँगी अभी अभी हमारे नोबल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और लिटरेचर में जिसे मिला है वो है एनी अर्नॉक्स को केमिस्ट्री में मिला है कैरोनिन बर्टोजी मॉर्टन मिल्डल और बेरी शार्पलस को फिजिक्स में दिया है एल एन आस्पेक्ट जॉन क्लॉसर एंटॉन जेलिंगर को और मेडिसन और फिजियोलॉजी में दिया है स्वांटे पाबो आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ये किन किन फील्ड में दिया गया है सो स्टे ट्यून्ड सो दिस इज एंड ऑफ आर वीडियो मैं आपको एक बार फिर बता दूँ कि टीम द डिफेंस एस्पिरेंस आपके लिए बहुत सारे अवसर लेके आई है हमारे कंटेंट में इतना क्रिस मटेरियल अवेलेबल है कि ना सिर्फ रिटर्न क्लियर करना आसान है बल्कि उसकी बात की प्रिपरेशन भी टीम टीडीए आपको कराती है तो बहुत ही मिनिमम प्राइस है आप हमारी इंस्टाग्राम पे टीडीए सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं वहाँ और यहाँ तो हम आपके लिए फ्री कंटेंट ला ही रहे हैं बट इफ़ यू अगेन वॉन्ट दी फुल फ्लैच्ड कोर्स टू क्लियर एफ कैट एन डी ए सी ए पी एफ और सी डी एस एग्जामिनेशन सो प्लीज़ कनेक्ट विद अस Till then, bye bye.